गढ़वाली होकर आपने ब्योमोजी नहीं बनाया तो क्या किया आपने? गुड़ में डालना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोग समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों अभी दिन के ना 12 बज चुके हैं, मेरा जितना भी काम था मैंने सारा निपटा दिया है और थोड़ी देर पहले मैं छत पे भी गई हुई थी, थोड़ा सा मैंने सोचा धूप सेकूंगी, लेकिन आज धूप भी ज़्यादा अच्छी आई नहीं है। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है, तो ठंडी काफ़ी हो रही है, तो मैंने सोचा क्या ही रहना, छत पे भी दो मतलब थोड़ी देर रही, फिर मैं आ गई नीचे। और फिर मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करना था, काफ़ी मतलब 1-2 दिनों से मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया है, तो इस वजह से। और फिलहाल अभी लंच टाइम हो गया है, तो अभी थोड़ी देर में लंच बनाऊँगी। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बार बोलना चाहती हूँ कि यार मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से लेके अभी तक जुड़े हुए हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल मेरा जो चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कम व्यूज़ आ रहे हैं चैनल पे, तो अभी भी जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, उन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो शायद मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकती, शायद बहुत ज़्यादा कुछ मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, पता यही बोलना चाहूँगी कि इसी तरह सपोर्ट अपना बनाए रखे आगे तक भी। और बाकी मेहनत की बात करूँ तो मेहनत यहाँ पे भी उतनी ही लगती है, और मतलब जब मैं गांव में थी, जब मेरे ब्लॉग थोड़ा सा सही चल रहे थे, वहाँ पर भी उतनी ही लगती है ना। और बाकी वही है, इंसान जब जैसी परिस्थिति में रहेगा वह उसी तरह के ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेगा ना। और सबसे मेन बात ये होती है कि आप लोगों का सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ब्लॉग हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, अगर हम एक यूट्यूबर हैं, तो सबसे मेन होता है कि आप लोगों का सपोर्ट, अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो यही बोलूँगी कि अपना सपोर्ट जो लोग पहले से बनाया है जिन लोगों ने, आगे भी बनाते रहिएगा, और भगवान आपको भी खुश रखे। इससे ज़्यादा मेरे पास ज़्यादा शब्द है नहीं बोलने के लिए, बस इतना ही मैं बोलूँगी। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे बगल वाली बिल्डिंग में काम चल रहा है, तो इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, मैंने दरवाजा वरवाजा सब बंद कर दिए, फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मशीन वगैरह चल रही है ना, तो इसकी वजह से। तो मैंने अभी कहा था आप लोगों से मैं लंच बनाने जा रही हूँ, तो आज हम लंच में खुशका बनाएंगे, मीठू भात जिसके लिए बोलते हैं ना, मीठू भात मतलब गाँव में बचाना, तो बाकी मतलब हम उससे खुशका बोलते हैं, और अगर मतलब मैं हिंदी में बोलूँ तो मीठा भात समझ लीजिए, है ना, तो वही मैं बनाऊँगी जो गुड़ का होता है। तो हमारे यहाँ पे जो खुशका होता है मीठा भात, तो वो एक मतलब ट्रेडिशनल फूड है, तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पहले तो शादी ब्याह या जो भी कुछ मतलब फंक्शन होता था गाँव में, तो मीठा भात जरूर बनाया जाता था, और अब तो मतलब वही है, नई नई चीज़ें, नई नई डिशेज आ चुके हैं, तो इतना ज़्यादा अब मतलब काफ़ी कम होगी वो चीज़ें बननी, पर फिर भी बनती है अभी भी हमारे गाँव वगैरह में बनती। और बाकी रही बात अपने पहाड़ से जुड़ी हुई चीज़ों को, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब पहाड़ से जुड़ी हुई जो भी, चाहे वो खाने पीने से लेके हो, पहनने से लेके हो, तो वो सारी चीज़ें भी बीच बीच में हम लोग साथ शेयर करती रहूँ, है ना। बाकी मैं भी आपको पहाड़ वगैरह तो नहीं दिखा सकती, लेकिन वहाँ से जुड़ी हुई अपने कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। रही बात डेली खान पीन मतलब खाना पहनना, तो ये नहीं है कि हम लोग दिल्ली में हैं तो हम लोग ये सारी चीज़ें गांव की चीज़ें भूल चुके हैं, उनको करते नहीं है। खाना पीना तो वही हमारा वही रहता है, चाहे हम कहीं भी चले जाए, आलू की तिचौड़ी, मूली की तिचौड़ी, वो तो कहीं भी चले जाए वो बनती ही बनती है तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर भी। मतलब गाँव से जुड़ी हुई चीज़ों को मैं कोशिश करती हूँ कि किसी न किसी रूप में आप लोगों को दिखाऊँ, चाहे वो खाने पीने से लेकर हो या कुछ भी, है ना। तो कोशिश आगे तक भी करती ही रहूँगी, है ना, कि आप लोग नाराज ना हो, जब भी मेरे पहाड़ी भाई बहन है मेरे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो वो लोग नाराज़ ना हो, तो इसीलिए, है ना। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि खुशका भात किसको ज़्यादा किसको पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट करने में इतनी कंजूसी करते हो। अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, तो अभी मैं बनाऊँगी मीठा भात। और मीठा भात बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है, बड़ी कैमरा सेट करना बहुत मुश्किल का काम है, अकेले अकेले वीडियोस बनाना ये ज़्यादा मुश्किल का काम मुझे लगता है। खैर ये चावल और बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर ये ज़रूर मुश्किल है, बट आप लोग भी कोशिश कर लेते हैं। और तो अभी मैं शुरू करती हूँ, और ये देखिए मैं आपको बताया ना, ये मैं गुड़ लेके आई थी, ये पन्नी में रखी मैंने गुड़ ली थी, इस टाइप का गुड़ लेके आई हूँ मैं, तो इस टाइप के गुड़ से भी बहुत अच्छा बनता है मीठा भात। तो वैसे तो आप लोगों को मीठा भात बनाना शायद बहुत लोगों को आता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी आता होगा,
और रेसिपी मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जिन लोगों को नहीं आता है तो वो घर पे बना सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को होता है ना खाने में अच्छा लगता है लेकिन बनाना नहीं आता, तो ये रेसिपी होने के लिए है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गुड़ लेंगे और इसको हम रख देंगे एक बर्तन में, उसमें डाल देंगे पानी। मतलब सिंपल सी बात है कि गुड़ का पानी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को रख दिया है पानी के अंदर, पानी आप लोगों को उतना ही लेना है जितना कि चावल में लगेगा, और यहाँ पर गुड़ के आप टुकड़े करके डाल दीजिए। मतलब आप लोगों के चावल में जितना पानी लगता है ना बाकी टाइम जैसे आप चावल बनाते हैं, तो उतना ही हमें पानी लेना है, एक गिलास दो गिलास, एक कटोरे में जितना भी पानी लगता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप जितना मतलब चावल ले रहे हो उसमें जितना पानी आप लोगों के चावल में लगता होगा उतना ही हमें पानी गुड़ में डालना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोग समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग चावल बनाते हो भात बनाते हो ना, तो उसमें जितना पानी डालते हैं उतना ही पानी लेना है, बाकी मैं बनाती हूँ। और अभी ये तो मैंने रख दिया है गैस में, अब मैं चावल को भिगोने रख देती हूँ थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं, और इन चावलों को मैं अच्छे से धोकर इनको मैं भिगाने के लिए रख दूँगी जब तक हमारा पानी यहाँ पे उबलता है गुड़ वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे पानी उबल के एकदम तैयार है, लेकिन इसमें जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने पूरा गुड़ ऐसे ही डाल दिया था, मैं ना जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में भूल गई थी इसको तोड़ के डालना, और मैंने ऐसे ही डाल दिया, तो इसको मैंने अभी ऊपर से इस कड़ची से ही मैं इसको तोड़ रही हूँ, और ये बस जैसे ही पिघलेगा वैसे ही हम लोग बनाना शुरू करेंगे। और हाँ, एक सबसे मेन बात पता क्या, अगर आप लोगों के पास सौंफ है ना सौंफ, तो सौंफ को भी इसके पानी में आप डाल दीजिए। मैं भूल गई थी पहले, अब मुझे याद है कि मेरे पास सौंफ है, ये देखिए सौंफ इस तरह से, क्योंकि सौंफ का इसमें ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मिर्च के साथ में, सौंफ है और इलायची भी होगी, तो इलायची भी ना इसी पानी में आप लोग डाल दीजिए, देखने इतना टेस्टी फ्लेवर आता है ना कि क्या ही बताऊँ, मस्त लगते हैं। ये देखिए ये मैंने इसमें सौंफ डाली हुई है, आपके पास इलायची हो तो इलायची भी डाल देना, और एकदम गुड़ का पानी जो था गुड़ इसमें बहुत अच्छे से पिघल चुका है, बस इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो गुड़ का पानी मैंने इधर रख दिया, यहाँ पर मैंने चढ़ा रख दिया है प्रेशर कुकर, इसमें मैं घी डाल, अभी आप लोग यहीं से देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये मेरी घी की छोटी सी पाउच है, अगर आप लोगों के पास घी नहीं है तो कोई बात नहीं, रिफाइंड ऑयल होगा ना उसमें बना लीजिए, उसमें भी अच्छा बनता है। तो यहाँ पे घी गरम हो चुका था, इसमें मैं डाल दूंगी भिगोए हुए चावल, और उनका पानी अलग से निकाल देना है, और उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से उन घी के साथ भून लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो गुड़ का पानी था वो हम इन चावलों में डाल देंगे, लेकिन धीरे धीरे डालना है, एक साथ नहीं डालना है, पानी हमें उतना ही डालना है जितने में हमारे चावल बन के रेडी हो जाएंगी। तो पहले मैंने डाला और इसमें थोड़ा कम लग रहा था मुझे, तो मैंने ये पूरा ही पानी डाल दिया, और अब इसमें लगा देंगे हम ढक्कन, और इसको अच्छे से इसको एक जितना भी आप चावल में सीटी मारते हो एक दो, तो वो मैं इस पर मार दूँगी हल्के हाथ से। तो चलिए अभी मैंने ना खुशका भात रख दिया है गैस पे, तो जब तक वो सीटी मारता है जब तक वो पकता है तब तक मैं रोटी सब्जी वगैरह बना देती हूँ, और क्योंकि मीठा मीठा भात ही थोड़ी ना खाएंगे, थोड़ा सा नमकीन भी होना चाहिए ना, मीठा मीठा भी नहीं खाया जाता है, तो थोड़ा सा मैं बना देती हूँ, और जब पूरा मतलब बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा बना है, क्योंकि मैं भी ना बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो जब बन जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि गड़बड़ भी है या बहुत अच्छे से बना है, मैं भी काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ तो इसी वजह से। तो चलिए मैं आप लोगों को बाद में मिलती हूँ। और जब तक हमारा खुशका भात बन के रेडी होता है तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ, ये ना सब्जी मूली की पत्तों और मूली की सब्जी है जो कि बहुत टेस्टी होती है। हमारा चावल बन के एकदम रेडी है मीठू भात, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे बना है। अरे वाह, नहीं अच्छा बना है, ये देखिए। तो ये है हमारा मीठा भात बनके तैयार, जो कुछ इस तरह से दिख रहा है, और ये गरम गरम मैंने निकाला है ना, तो इसीलिए इस तरह से है, और थोड़ा ठंडा नहीं होने दिया मैंने इसको। तो ये है हमारी मूली के पत्तों के मूली की सब्जी, और ये है हमारा मीठा भात, और साथ में मैंने बना रखी है रोटियां, और ये है हमारे देवर जी। तो अभी हम अपना लंच शुरू करते हैं खाना।
सो अभी हम लोग लंच अपना स्टार्ट करते हैं और मैं चक के आप लोगों को बताती हूँ कि खुश का कैसे हो रहा है। बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं गांव में शादियों में बैठी हुई हूँ। और पहले मैं खा के दिखाती हूँ यार, बहुत मन कर रहा है। पता नहीं कब बटर खाना चाहो, पता नहीं मैं कब खाऊँ, मुझे खुद भी याद नहीं। आज से 2-3 साल पहले कैक भी होगा तो मम्मी नहीं खाना मेरा, पर भी मम्मी नहीं खा, मेरी भी मम्मी बड़ी हूँ, मेरी भी मम्मी नहीं बड़ी थी ना, क्यों नहीं बड़ा, वही तो वही पूछ रहा था। घरवाली हो क्या, आपने ब्योमो ये नहीं बनाया तो क्या किया आपने, माना कि हमने रसगुल्ले सब खाए पर यही होना चाहिए था। पर होना तो चाहिए था पर खाई नहीं, तो मैं भी आती। मेरे साथ बैठे हुए योगी महाराज जी, योगी दा, और उनको मैं वीडियो में नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो मुझे अभी मना कर रहे हैं वीडियो में लेने के लिए, इसीलिए मैं सिर्फ अपनी शक्ल दिखा रही हूँ। अच्छा नहीं रहा, चल बता सही हो रहा है, सही मजाक कर रहा है। बहुत चल रहा है, मुझे चला रहा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं अपने खुश के, मैं इस खुश के मीर पे भाग के तारीफ कर रही हूँ, अपनी तारीफ नहीं। दोस्तों अभी खाना वाना हमारा हो गया, मीठा भात बहुत टेस्टी हो रहा था। और वैसे भी आजकल ठंडियों का टाइम है तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए घर पे बना के, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और चलिए फिर इसी के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को भी एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भैया बाहर लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंडी तो मैं तो आ चुकी हूँ बिस्तर के अंदर, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।